हेलो गाइस, दिस इज मी सनत बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था प्रीवियस व्लॉग में दैट आई एम गोना बी मेकिंग मोर व्लॉग्स नाउ। अगर प्रॉमिस नहीं भी किया था तो बना रहा हूँ। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट व्हाट शुड यू डू वन डे बिफोर यू हैव अ मैच। टुडे इज 28th of October। आज मेरा मैच होने वाला था जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था, बट इट गॉट पोस्टपोन्ड टू 29th। कल होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सो दैट स्टेडियम इज गुड, उसकी थोड़ी ग्रास ज़्यादा है, इट हैज़ अ गुड लेयर ऑफ ग्रास। मेन ग्राउंड में नहीं होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के, दैट इज़ प्री बुकड ओनली फॉर इंटरनेशनल मैचेस एंड गुड मैचेस। लेकिन उसके बाहर एक आउटसाइड एरिया है दैट आई प्रॉब्ली शो यू टुमारो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिल्ली लीग मैचेस होते हैं एंड ऐसे नॉर्मल से मैचेस होते हैं। दैट्स द वेन्यू फॉर द नेक्स्ट मैच। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस फॉर फुटबॉल, जो भी तुमने प्रैक्टिस की है तो दैट इज़ इन द ट्रेनिंग पीरियड। नाउ यू कैन नॉट गो, इफ यू हैव अ मैच टुमारो यू कैन नॉट गो फॉर अ प्रैक्टिस टुडे। सो यू हैव टू रिलैक्स। मैं मॉर्निंग से रिलैक्स ही कर रहा हूँ। आई हैव टेकन माई प्रॉपर डाइट इन द सेंस यू टेक इनफ कार्ब्स। कार्ब्स आर गोइंग टू गिव यू द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट गेम यू गोना प्ले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज hydration for the match. So I always carry this with me, aur ye bahut sasta hai, it's very cheap, plus it gives you a good amount of stored water and energy for the next match. This is good, this is electrol, comes with like 19 rupees ka aata hai. Uske sip lete rehna hai, do teen packet main iske rakh leta hu, and body ko lethargic nahi hone dena hai. I've taken enough sleep, so you drink plenty of this. This is more than enough for the match. Climate is good now, the heat is not killing you. Take white rice in the afternoon. In the morning I've taken enough carbs and all. Evening mein I've planned to get some resistance band exercises to be done, wo main jaunga and I'll shoot that also. Match se pehle halka sa walk karenge so that muscles get work. 3 days se kuch khela vela bhi nahi hai. Stretches and movements, resistance band exercises I'll do, and then I'll relax the whole night. So make sure you take a proper sleep also if you're going for anything like hike and all, something, anything related to sports, skateboarding maybe, or maybe surfing or anything, whatever is we have done, whatever we practice, that's in our body now, that's in our muscle memory. We lag behind, I think we lag behind with those movements and those extra inch performances with just proper diet and sleep. If we push on those diet, if we push on sleep, then our performance will make a difference. Jo hum team se match khelne wale hain kal, that is really good, that is the toughest in the group and I guess the one of the best in the league. So see you at the gym. सो गाइज, अपने आप को थकाना नहीं है, मसल्स को थोड़ा एक्टिव करना है। 15-20 मिनट्स ऑफ, मेबी मैक्सिमम 25 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग करनी है। यू जस्ट हैव टू मेक अ सेट ऑफ तीन एक्सरसाइजेस करो, और इफ़ यू हैव अ वेट लाइक आई हैव अ कैटल बेल ओवर हियर, सो कैटल बेल से थोड़ा ट्विस्ट एंड दिस इज व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट फॉर यू गाइज ऑल्सो। योर बॉडी इज़ लाइक
एकदम से रिकवर, उसको पता है एकदम शॉक चाहिए होगा फिर उसको ऑन द मैच डे। वार्म अप होता है ऑब्वियसली, फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो थी लंजेस। लंजेस में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने, इजीली करना है, ज़्यादा रैप्स नहीं मारने हैं और ज़्यादा व्हाट यू कॉल दैट ओवर वेट यूज़ नहीं करना है, लाइट वेट, पता नहीं 5 किलो होगा शायद, 5 किलो या 10 किलो पता नहीं। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, स्प्लिट लेग्स हैं, स्प्लिट स्ट्रेचिंग्स एंड नी टू चेस्ट वाला स्ट्रेच एंड स्क्वाट्स पोजिशन और वाला स्क्वाट मारना है, दैट्स इट, 3 एक्सरसाइजेज। उसके बाद रिलैक्स और घर जाओ, खाओ पियो और हैव अ गुड नाइट स्लीप ऑल्सो। दूसरे दिन मैच के लिए बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट फॉर द डे। फ्लिप नहीं मारनी है, पड़ जाए तो मार देना। ये कब खुलेगा यार, चलता भी है ये? दीज आर द शूज आई लाइक, इसी से खेलना है। 1 o'clock रिपोर्टिंग है, 3 o'clock मैच है, अभी बस निकलना है, इट्स अराउंड 11:30। जस्ट जर्नी स्टार्टेड, आज तो पेट्रोल पहले ही चेक कर लेता हूँ कि पेट्रोल कितना है, तो खुलता नहीं है, खुलने में दिक्कत देता है, जैसे पेट्रोल भी चेक नहीं होता है, स्प्लैश कर रहा है, पेट्रोल पंप तक तो चली जाएगी सेफली। This is exactly the same place where I ran out of petrol. Yeah, TDR2. यहाँ पर एक्टिवेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे? यहाँ क्यों करते हैं? ऑपरेशनल असिस्टेंट कोच एंड ऑपरेशनल opposition, okay. Strategy we have today, guys. Yeah, sir. Predictions are that we are going to play very tough. Tough in the sense we try to hold on them and try to win as many 50-50 goals as possible. We'll try to not concede as many goals as they are going to push on us. Coach, any comments on today's match? The toughest of all. शास्त्री क्लब दिल्ली, काफी पुराना क्लब है ये भी, तो शास्त्री के मुकाबले काफी नया क्लब है और नए ओनर हैं इनके अब, और ये रेफरी की लंबी विसल बाएं से दाएं जो है वो दिल्ली एफसी और दाएं से बाएं शास्त्री एफसी अपना अटैक करेंगी। शास्त्री के पक्ष में गेंद से लेकिन वापस बॉल खेला है, काउंटर हो सकता है, वापस आते हुए खिलाड़ी नहीं, कोई नुकसान नहीं, 1-0 की बढ़त पर खिलाड़ी। We are done with the match. The season is over. We conceded, I guess, 12 or 13 goals. Now we're heading back to the changing room. The diet which I said, usko kha ke aisa nahi hai ki you will be performing like Messi or Ronaldo. This ground is going to be missed, yaar. Sahi ground tha ye bhi. Seriously, man, this is the dream. If you are in the middle of the pitch and you're playing with around, I guess, 60,000 spectators, it's going to be the feeling of lifetime. As always, guys, take care of your diet, take care of your health. Abhi nahi to kabhi nahi. And as always, stay up, 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 up.